नई खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी चमोली से आपको बता दें, जहां जोशीमठ में सीएम धामी ने हुंकार भरी है। सीएम धामी ने बद्रीनाथ में उपचुनाव को लेकर कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने प्रचार भी किया है, साथ ही साथ जनसभा में राजेंद्र सिंह भंडारी के लिए वोट भी मांगे हैं। विकास के लिए बद्रीनाथ में उपचुनाव हो रहा है, ये कहना है सीएम धामी का। उन्होंने कहा उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है, बद्रीनाथ के लोग सनातन और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि विकास के लिए हो रहा है बद्रीनाथ में उपचुनाव, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार तेजी से के साथ काम कर रही है। चमोली से ये बड़ी जानकारी, जहां जोशीमठ में सीएम धामी ने भरी हुंकार, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए किया प्रचार। यहाँ पर देखिए, विकास के लिए हम लोगों से मत मांग रहे हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाना है, और ये बड़ा हमारा सुप्रसिद्ध धाम, हमारा बद्री भगवान, बद्री विशाल का स्थान है, भगवान नरसिंह जी का स्थान है, हेमकुंड साहब इसी विधानसभा में है। तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है, देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनी है, और एक तरफ हम लोग हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की बात कर रहे हैं, देश के उस सनातन की बात कर रहे हैं, हमारे धर्म स्थानों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले लोग लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों का विरोध करते हैं, नवरात्र और पवित्र हमारे जो पर्व होते हैं उन पर्वों पर मांसाहार करके लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं। तो बद्रीनाथ विधानसभा के लोग सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे, और हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि ये स्थान, चाहे जोशीमठ हो, चाहे हमारा बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, उस सभी पर तेजी से काम हो रहा है और तेजी से काम होगा। लक्सर के बाला